मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व की कमलनाथ सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पूर्व सरकार में तबादला उद्योग पनपा था, जिसमें बड़े स्तर पर लेन देन किया गया था। इसके साथ ही आखिरी समय में जब कई विधायकों ने इस्तीफे दे दिए थे, तब भी कमलनाथ की अल्पमत की सरकार ने कई फैसले लिए जिसमें भ्रष्टाचार होने के संकेत मिले हैं। शिवराज सरकार ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की समिति बनाकर पूरे मामले की जांच करेगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार के अल्पमत में होने के दौरान लिए गए फैसलों से लोकतंत्र कलंकित हुआ है। जब कांग्रेस के विधायक इस्तीफा देकर सरकार से जा चुके थे और महामहिम राज्यपाल ने अल्पमत की जानकारी पत्र के माध्यम से तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को दे दी थी, ऐसी स्थिति में उस समय में किए गए टेंडर और ट्रांसफर सरकार की मंशा को जगजाहिर करते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पूर्व सरकार में तबादला उद्योग पनपा था, जिसपे बड़े स्तर पर लेन देन किया गया था। इसके अलावा आखिरी समय में लिए गए फैसलों में भी भ्रष्टाचार होने के संकेत मिले हैं। देखिए, इन्होंने इतने नियम विपरीत काम किए। गवर्नर ने चिट्ठी लिख दी कि सरकार अल्पमत में और कैबिनेट हो रही है। गवर्नर ने चिट्ठी लिख दी कि सरकार ने बहुमत खो दिया है और निर्णय हो रहे हैं और बड़े बड़े टेंडर जारी हो रहे हैं, ठेके जारी हो रहे हैं। ये जांच के विषय तो है ही, और इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि मंत्रियों का समूह बनाकर या एमओएस बनाकर इनके सबके कार्यकाल की जांच होना चाहिए। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी रही। पूरा बल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया। ट्रांसफर और पोस्टिंग की रोज सूची निकलती थी। टेंडरों की मोनोपोली हो गई थी। इन सबकी जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसमें कांग्रेस झगड़ा क्यों रही है? बताया जा रहा है कि शिवराज सरकार का ध्यान कमलनाथ सरकार के दौरान हुए तबादला उद्योग पर है और वो कमलनाथ सरकार के आखिरी 6 महीने में हुए फैसलों की जांच कराने की तैयारी कर रही है। सरकार को आशंका है कि सत्ता जाने के पहले तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने गलत तरीके से फैसले लेकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। शिवराज मंत्रिमंडल की हुई अनौपचारिक बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की समिति बनाकर पूरे मामले की जांच करने की बात सामने आई है। अगर तथ्य सही पाए गए तो पिछली सरकार पर FIR भी होगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।